यार बहुत बढ़िया है। अच्छा। मैंने तो तीन खाई है सही में। तीन खाई है, बढ़िया लग रही है खाने बहुत में। बढ़िया। कहाँ से आए हो? मैं अलीगढ़ से आया हूँ। बहुत ही बढ़िया है और बड़ा अच्छा लग रहा है खाने में। बस सर्दी के मौसम में गर्म गर्म सर्व हो रहा है तो और ज्यादा बेटर लग रहा है। क्या बात। और मैम आपको बहुत टेस्टी है। तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूं आगरा की एक ऐसी दुकान पर जिनकी चुरचुर नान खाने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं और इनकी चुरचुर नान आगरा से लेकर दिल्ली तक बहुत ही ज्यादा फेमस है क्योंकि इनका टेस्ट बिल्कुल दिल्ली जैसी चुरचुर नान का मिलता है। ये देख सकते हैं देसी पिज्जा, ये अमूल का मक्खन लगाया जा रहा है इसके ऊपर। ये क्या हालचाल है आपके? बढ़िया सर, बिल्कुल। तो भैया पहले तो आप सबसे पहले आप अपनी शॉप का नाम बताइए। दुकान का नाम अमृतसरी तंदूरी कुलचा एंड चूरचूर नान, ये पूरा नाम है। क्या क्या मिल जाता है हमारे पास में? चूरचूर नान होता है और अमृतसरी कुलचे होते हैं, दो वैरायटी रखते हैं। अच्छा, दिल्ली वाले जो दिल्ली में और पंजाब में जो आइटम मिलता है वो आप अपने यहाँ पे सेल कर रहे हो? जी सर। तो भैया अपनी जो प्लेट होती है वो कितने रुपए की होती है? 160 की एक प्लेट होती है जिसमें हमारे दो नान सर्व करते हैं। दो नान सब्जियों के साथ में होता है। सब्जी हमारे पास छोले रहता है देसी घी के। अच्छा। और पनीर की सब्जी होती है, साथ में बूंदी रायता रहता है, ऑनियन सैलेड एंड चटनी होती है, चटनी इमली वाली होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भैया जो नान होती है वो बस अपने एक ही तरीके की होती है और भी कुछ होता है इसके अलावा? नान हमारे पास एक ही टाइप का रहता है। अच्छा, बाकी अच्छा। जो कुलचे के जो फ्लेवर है हमारे पास पांच फ्लेवर होते हैं। अच्छा, बताएंगे जरा कौन कौन से फ्लेवर? एक मिक्स फ्लेवर होता है। अच्छा। एक ऑनियन पोटैटो फ्लेवर होता है। अच्छा। एक पनीर ऑनियन होता है, एक टमाटो मिक्स होता है और एक हमारे पास होता है खस्ता स्पेशल, खस्ता मसाला कुलचा। तो भैया ये अपना एड्रेस क्या होता है यहाँ पर? एड्रेस संजय पैलेस पर है ये, नियर बाई मैक्स मॉल है। नियर बाई मैक्स मॉल। मैक्स मॉल। टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग सर दोपहर को 12 बजे स्टार्ट हो जाता है, रात को 10:30 तक होता है और 7 डेज ओपन है। 7 डेज ओपन है जी। अच्छा, मतलब संडे में भी छुट्टी नहीं रहती? कोई छुट्टी नहीं। 7 यहाँ पर काम यहाँ पर 5 ईयर प्लस हो गया करते हो? 5 ईयर प्लस हो गया जी। 5 ईयर प्लस से आप चुरचुर नान बेच रहे हैं यहाँ पर? सर। तो भैया अपने यहाँ जो बटर यूज होता है वो कौन सा यूज होता है? बटर सर मेरे पास अमूल बटर होता है। अमूल बटर होता है, बहुत बढ़िया। बूंदी रायता? बूंदी का रायता जी, बहुत बढ़िया। क्वांटिटी देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया क्वांटिटी। ये दोबारा रिफिल करा सकते हैं? बिल्कुल सर, दोबारा रिफिल हो जाता है। बहुत बढ़िया। रायते हमारे यहाँ कभी भी पानी मिक्स नहीं होता है, ऐसे दही का रायता प्योर बनता है। अच्छा। ये सर इमली वाली चटनी होगी और प्याज होगी सर। बहुत बढ़िया। ये भी अनलिमिटेड है? बिल्कुल। सब्जियाँ तो अनलिमिटेड ही होंगी ना सर? बिल्कुल। बहुत सुंदर। ये सर मिर्च का अचार हो गया आपका सर, मटर पनीर की सब्जी। बहुत बढ़िया। ये आ गई मटर पनीर सब्जी, आप रिफिल कर लो, रिफिल होती रहती है, कोई दिक्कत। ये सर छोले है, ये भैया देसी घी बनाए जाते हैं ये। बहुत बढ़िया। रोगन देख सकते हैं आप, बिल्कुल देसी घी ऊपर तैर रहा है। अरे नहीं पहले लगाया जाएगा इस पर बटर। ये देखिए कितना सारा बटर लगाया गया है। अब लगाया जाएगा पनीर, अब लगाया जाएगा काजू और इसको चूर चूर कर दिया जाएगा। ये हो गई चूर चूर। ये देखिए फिर से देखिए, ये आ गया बटर और बटर की क्वांटिटी देख सकते हैं आप। अमूल का बटर यूज़ किया जाता है यहाँ पर। और ये आ गया पनीर और ये आ गया काजू और इसको कर दिया फिर से चूर चूर। वाह क्या बात है। ये चूर चूर नान आ चुकी है यहाँ पर, लिए मेरे पास आ चुकी है। इसमें नान है, चूर चूर नान है, प्याज है, मिर्च है, रायता है, मटर पनीर है और छोले हैं, और छोले देसी घी में बने हुए हैं। तो दोस्तों इसको ट्राई कर लेते हैं, तो एक बाइट लेते हैं इसमें से। जो नान है वो एकदम क्रंची है, एकदम क्रिस्पी है और जो मटर पनीर है बहुत टेस्टी बना हुआ है, मसाले एकदम बैलेंस है। अब ट्राई करता हूँ छोले के साथ। छोले का जो मसाला है वो एकदम बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और छोले जो है वो मटर पनीर से भी 21 है अगर देखा जाए तो। मटर पनीर भी अच्छा है, उससे अच्छे छोले बने हुए हैं। बात करूँ अगर रायते की, जो रायता का जो थिकनेस है वो बहुत अच्छी है और अगर आप कभी आगरा आ रहे हैं तो यहाँ पे आके आप ट्राई कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।